हाय फ्रेंड्स, अब हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को प्रूव करेंगे। चलिए आए देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं, ठीक है, वही रूप है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरे को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दीजिए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, ठीक है, ये ए का मान है। तब क्या हो जाएगा, इसको खोल दीजिए हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये सी का गुणा करिए तो टू ए सी, ठीक है, इसका इसमें करिए प्लस टू बी सी, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी को इधर लाइए, सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ठीक है। इस प्रकार हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।